वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROI स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था और आज हम लोग उसमें पढ़ेंगे मूल अधिकार। ठीक है, तो संविधान का जो भाग 3 है ये इससे संबंधित है। तो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के मूल अधिकारों का इसमें विवरण दिया गया है और इस संबंध में संविधान निर्माता अमेरिकी संविधान यानी अधिकार के विधेयक से प्रभावित रहे। ठीक है, अमेरिकी संविधान से इसका आइडिया लिया गया है मूल अधिकारों का। तो संविधान के भाग 3 को इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, संविधान का मैग्ना कार्टा इसको बोला जाता है। इसकी संज्ञा दी गई है जो सर्वथा उचित है। इसमें एक लंबी एवं विस्तृत सूची में न्यायोचित मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। वास्तव में मूल अधिकारों के संबंध में जितना विस्तृत विवरण हमारे संविधान में प्राप्त होता है उतना किसी भी देश के संविधान में नहीं मिलता है। ठीक है, संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रहित एवं राष्ट्रीय एकता को समाहित किया गया है। तो चलिए देखते हैं, मूल रूप से संविधान के सात मूल अधिकार प्राप्त किए गए थे। तो इसमें देखिए, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। ठीक है, मूल रूप से तो 7 अधिकार दिए गए थे, हालांकि जो संपत्ति का अधिकार है उसके 44वें संविधान अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। इसे संविधान के भाग 8 में अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। फिलहाल 6 मूल अधिकार हैं। ठीक है, संपत्ति का जो अधिकार था उसको हटा करके आर्टिकल 300 नेहरू रिपोर्ट 1928 भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने के पक्ष में थी। अर्नेस्ट बार्कर का कथन है कि अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। ये कथन है अर्नेस्ट बार्कर का। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय के रूप में वर्णित किया, क्योंकि अनुच्छेद 32 जो है वो भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकार के उल्लंघन के खिलाफ एक प्रभावी उपाय प्रदान करता है और सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी भी मौलिक अधिकार के परिवर्तन के लिए निर्देश या आदेश या रिट जारी करने की शक्ति है। मूल अधिकार असीमित नहीं है लेकिन वाद योग्य होते हैं, राज्य उन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है। हालांकि ये कारण उचित है या नहीं इसका निर्णय अदालत करती है। ठीक है, ये न्यायोचित हैं, ये व्यक्तियों को अदालत जाने की अनुमति देते हैं जब भी इनका उल्लंघन होता है। आगे, मूल अधिकारों को उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी और सुरक्षा प्रदान की जाती है, हालांकि पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है। मूल अधिकार जो हैं वो स्थायी नहीं हैं, इसमें संसद इसमें कटौती या कमी कर सकती है लेकिन संशोधन अधिनियम के तहत न कि साधारण विधेयक द्वारा। अनुच्छेद 16(2) में क्या कहा गया है कि लोक युक्ति के मामले को किसी भी व्यक्ति के साथ जाति धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 29(2) में किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संचालित या राज्य से सहायता प्राप्त किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30(1) क्या है, सभी अल्पसंख्यक चाहे धर्म या भाषा पर आधारित हो उन्हें अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। 31(1) में किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकरण के बिना वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये जो अधिकार हैं मूल अधिकार पूर्णतया नैसर्गिक और अप्रतिदेय की श्रेणी में आते हैं। आपातकालीन स्थिति में ही अनुच्छेद 358 और 359 के प्रावधानों के अंतर्गत मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। ठीक है, और मूल अधिकारों को न्याय योग्य वाद योग्य के रूप में संविधान में रखा गया है।
भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का संरक्षण का दायित्व न्यायपालिका के पास है। भारतीय संसद द्वारा निर्मित सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत आपको भारतीय समाज में अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संचरण अर्थात कहीं भी जाने का अधिकार यानी विदेश भ्रमण भी इसमें शामिल है, ठीक है। और 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा करके अनुच्छेद 300 क विधिक अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया है, ठीक है। संपत्ति का अधिकार जो था वो पहले मूल अधिकार था, लेकिन अब ये एक विधिक अधिकार है। मूल अधिकारों के न्यायिक संरक्षण हेतु 32 अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों की शक्ति प्रदान की गई है, ठीक है। और संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा किए जाने पर अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 20 और 21 इन दोनों को छोड़ करके अन्य मूल अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 के तहत प्राप्त है, ठीक है। और 44वें संशोधन के पश्चात 20वें और 21वें अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।